नोटबंदी के एक साल बाद आगे की रणनीति किस तरह हो, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को रोड मैप पेश कर सकते हैं। इसे किस तरह पेश किया जाए, इस बारे में हाई लेवल पर विचार का दौर जारी है। 10 नवंबर को पहले ही सभी केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें करप्शन के खिलाफ अगली जंग के बारे में डिटेल प्लान पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्ष की आलोचना को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर 8 नवंबर को एंटी ब्लैक मनी डे मनाने का फैसला किया है। विपक्ष ने इस दिन पूरे देश में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद अपना अगला टारगेट बेनामी संपत्ति को बनाया है और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। दरअसल नोटबंदी के एक साल बाद सरकार करप्शन के खिलाफ जंग को जारी रखने का मजबूत संकेत देना चाहती है। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित अभियान में अगर मालिकाना हक के कानूनी सबूत नहीं मिले तो बेनामी संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इन बेनामी संपत्तियों को भी गरीबों के लिए किसी योजना से जोड़ा जाएगा, जैसे ब्लैक मनी के लिए दोबारा लाई डिस्क्लोजर स्कीम के तहत राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में डाली गई थी। सरकार को उम्मीद है कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ प्रस्तावित अभियान में कई बड़े सफेदपोश नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और करप्शन के मुद्दे पर ही वह चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है। सरकार का मानना है कि एक साल बाद जब नोटबंदी के बाद हालात सुधर चुके हैं तो दूसरा अभियान शुरू होने से इसका सकारात्मक संदेश खासकर गरीबों के बीच जा सकता है कि काला धन रखने वाले अमीरों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसके अलावा करप्शन को रोकने के लिए बने इस लंबित बिल या पहल पर पीएम नरेंद्र मोदी ठोस और निर्णायक कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।